जिसको कमलनाथ साहब ने आइटम बोला था। जी हाँ, मैं आप मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। अब मध्य प्रदेश चुनाव की पॉलिटिक्स की बात हो जाए, जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें बड़े बड़े रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे रंग देखने को मिल रहे हैं जिसमें बड़े सारे नेता बेरंग होते जा रहे हैं। उन नेताओं की पोल खुलती चली जा रही है जिनको संस्कृति का हवाला देकर के बहुत बड़ा नेता बोला जा रहा था, जिनकी भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि इनके साथ गलत टिप्पणी हो गई। आइटम तो आइटम होता है, आइटम सॉन्ग राखी भी करती है तो उसका भी मान सम्मान किया जाता है। आइटम का मतलब तो भारतीय जनता पार्टी को निकालना आता है, क्योंकि आइटम का मतलब उनके लिए दूसरा होता है। लेकिन वही आइटम फिर से गलत बयानबाजी करता है, असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, जिसमें वो कहते हैं कमलनाथ जी के लिए, इमरती देवी ने कमलनाथ जी को लुच्चा लफंगा कहा। उनकी माँ बहन पर भी आपत्तिजनक बयान दे चुकी हैं इमरती देवी। चलिए, कांग्रेस की तरफ से इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रभक्त पार्टी है, तो इससे हाथ जोड़ के थोड़ा सा बचिए, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का ठेका इन्होंने लिया है वीर सावरकर से, गोडसे से, तो राष्ट्रभक्ति का ठेका इन्हीं के पास है। कांग्रेस वाले तो वैसे ही अंग्रेजों को विरोध करके भेज दिया, अंग्रेजों का इराद रहना चाहिए था। अंग्रेजों की भाषा बोलते हुए अंग्रेजों की नीति यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूरे केंद्र में लागू कर दी जाती है। लेकिन चलिए, ये भी हुआ वो भी हुआ, लेकिन यहां साहब एक ऐसा अजूबा हुआ जिसमें घटना को देख करके, इस वीडियो को देख करके शायद आप हिल जाएंगे, वो लोग भी हिल जाएंगे जिन लोगों को लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश में शायद जीतेगा कौन, क्या करेगा। यहां मिन्नतें करते हुए दिखाना चाहूंगा एक ऐसे नेता को, प्रद्युम्न कुमार हैं जिनका नाम, और भैया भारतीय जनता पार्टी का पोर्टफोलियो उनके पास है एक मंत्री के तौर पर। जी हाँ, मंत्री के तौर पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, प्रद्युम्न सिंह जी का, जिसमें वो एक कांग्रेस ने कार्यकर्ता के पास पहुंचते हैं, उसके पैरों में गिरते हैं, पता नहीं किसी झांझ में है या क्या है, समझ में नहीं आ रहा। उनके बच्चे उनको उठा रहे हैं, अंकल पैरों में मत झुकिए। लेकिन ग्वालियर संभाग में इतनी बुरी स्थिति सिंधिया जी की हो गई है कि शायद ये स्थिति पहले कभी किसी नेता की शायद नहीं देखी होगी। सिंधिया के लिए लोगों के पैर पड़ना पड़ रहा है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी। ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों। ना, आप मेरी साहब, मेरी कसम है आपको, मैं कह रहा हूँ हाईलाइट भी करूंगा। आप नहीं जाओगे यार, मेरा कौन सवाल ना करेगा, नाम सब चला जाए। तो भाभी नहीं, भाभी तो ये बात सुन तो, भाभी तो ठीक है, मेरे भैया को लड़से चलाओ, बात कर लो। अरे नहीं ऐसा नहीं, चलाओ 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 चलाओ, अच्छी से मत चलाओ, फिर उसको धार और लगाओ। नहीं नहीं, और ये तो मैं मारूंगा तो छाई भी डालूंगा, मैं करता, मैं नहीं भागूंगा। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी आ गई है, मुझे आपको अपने साथ वापस ले लूंगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप चलो, मैं ये नहीं करवाऊंगा, नहीं मेरी कसम भाई साहब, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। अंकल ऊपर आया, अंकल आपसे मैंने कभी नहीं भेजा, नहीं नहीं, रघुनाथ दे दिया, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात मान लो, मेरी बात बस, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ,
मेरी विनती मान लो, मैं मेरी विनती मेरी विनती मान लो। थोड़ी सी आवाजों के साथ, क्योंकि मिला है YouTube से, और इस वीडियो को जितना समझ सके तो समझ लो, समझ सको तो समझ लो, हम हैं हिंदुस्तानी या MP वासी। मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति को इस तरह से राजनीति करते हुए, इस तरह की पॉलिटिक्स करते हुए कभी क्या आपने देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स में जिस तरह की हार का डर और नफरत का डर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, शिवराज के खिलाफ डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उस चक्कर में प्रद्युम्न सिंह ग्वालियर के पूरी नौटंकी करने पर चालू हैं, और नौटंकी तो नौटंकी होती है, और नौटंकी करने में ये लोग अपने नेताओं को भी पार कर जाते हैं, उनको शर्मसार कर जाते हैं, जिन नेताओं के बारे में शायद इनको नहीं पता होता। उत्तर ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के प्रद्युम्न सिंह तोमर, इसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इस प्रतिक्रिया पर जरूर आप अपने कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से पैरों में लेटा जा रहा है एक मंत्री के द्वारा जनता के, एक कार्यकर्ता के पैरों में, वो वाकई बहुत शर्मनाक है। अगर वोट लेने के लिए इसी तरह का कुछ करना पड़ेगा तो शायद लगता है कि इन्होंने कुछ अच्छा मध्य प्रदेश के साथ नहीं किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो के मायने और आपके जो कमेंट्स होंगे, आपके जो शेयर होंगे, वो तय करेंगे कि जीत किसकी होगी। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।